बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जीएसटी की जानकारी ले रहे हैं। पिछले सेशंस में हमने देखा कि इंडियन बिजनेस सिनेरियो क्या है, टैक्सेशन सिस्टम क्या है, जीएसटी क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है और ड्यूल टैक्सेशन सिस्टम किस प्रकार से भारत में लागू किया जाएगा। इस सेशन में हम जानकारी लेने वाले हैं कि आप अपने बिजनेस को किस प्रकार से जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर कर सकते हैं, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है और किस प्रकार से हम इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए इस सेशन में देखेंगे किस प्रकार से हम अपना बिजनेस जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ इस चैनल पर जीएसटी से रिलेटेड सभी क्वेरीज, सभी क्वेश्चंस को आंसर देने वाले हैं और आने वाले वीडियोस में आप अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर को वहाँ पा पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें तो इसके लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ हमारे सभी वीडियोस आपके पास उपलब्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं किस प्रकार से आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं जीएसटी के अंतर्गत। जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के लिए आप भारत सरकार की gst.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पे यदि आप पे यूज़र आईडी पहले से है तो आप एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन में जा सकते हैं, परंतु यदि आपके पास कोई भी आईडी पहले से नहीं है, अर्थात आप जीएसटी के लिए पहली बार रजिस्टर करना चाहते हैं, तो न्यू यूज़र लॉगिन पर क्लिक करें। जैसे ही आप न्यू यूज़र लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे आई एग्री टू प्रोवाइड डिटेल्स पे बॉक्स पर चेक बॉक्स को क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको ये सबसे पहले बता दूं कि भारत में जीएसटी से रिलेटेड सभी तरह के टास्क को कंप्लीट करने के लिए जीएसटीएन संस्था को संस्थापित किया गया है। जीएसटी से संबंधित सभी कार्यों की देखरेख करता है और जीएसटीएन आपको एक यूनिक कोड भी प्रोवाइड करता है, जो आपका जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसे जीएसटीएन कहते हैं। यह आपके पास बिजनेस करने में मदद करता है। जैसे यदि आप पहले से बिजनेस करते हैं तो वैट रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत वैट नंबर मिलता था और सर्विस टैक्स के अंतर्गत सर्विस टैक्स नंबर मिलता था। यहाँ पे आपको जीएसटीएन नंबर मिलता है। यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। आप जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे आपसे काफ़ी सारी जानकारियाँ मांगी जाती हैं। आपका बिजनेस किस प्रकार का है, क्या पार्टनरशिप है, यदि है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दें आप। इसके अतिरिक्त प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है आपका। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत सारे सेगमेंट बनाए गए हैं। इन सेगमेंट में से हर एक में से केवल एक चीज़ आपको अपलोड करनी है वेबसाइट पे, वो है जेपीजी और पीडीएफ, दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। अब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को शो करने के लिए आप अपनी बैंक स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, कंसेंट लेटर का, इलेक्ट्रिसिटी बिल इत्यादि किसी भी एक चीज़ को आप अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह से आप डिटेल्स ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी की जानकारी आप दे सकते हैं लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के जरिए या कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय बीओडी अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ। आप अपनी बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी यहाँ पे उपलब्ध करवाएंगे, उसके लिए आप पासबुक का पहला पेज या बैंक स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही आपको फोटो और इसके अतिरिक्त यदि आपके पास कोई स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट है तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। इसको अपलोड करने के पश्चात आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आप इन सभी स्टेप्स को करने के बाद आप जीएसटी के लिए रजिस्टर हो जाएंगे। इससे पहले कि हम अगले सेशन पर जाएं, मैं आपको बता दूं कि हम जीएसटी से संबंधित अकाउंट्स की इस सीरीज़ में बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।